नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से ये रेड अलर्ट सभी 13 जिलों के लिए जारी किए गए हैं, जिसके बाद संवेदनशील इलाकों में SDRF और NDRF की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी की भी बारिश को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 48 घंटों का ये अलर्ट जारी किया गया है। सभी 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश की तबाही के बीच मौसम विभाग ने सभी 13 राज्यों के रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो बारिश हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है और यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर मार्ग बाधित हो रहे हैं, जबकि फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मार्ग खुलवाने में पूरी शक्ति के साथ जुड़ गया है। साथ ही यात्रा मार्ग पर अभी तक रात में चल रहे वाहनों को रोका जा रहा है। हमारी NDRF की टीम पहली बार हमने झारसुगुड़ा में हमारी NDRF की टीम पहली बार हमने इस बार डिप्लॉय किया है, जहां पर स्टेशन किया गया है एक छोटी टुकड़ी। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसको हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और हमारी टीम वहां पर हर संभव प्रयास कर रही है कोई दुर्घटना ना घटे। धरचूला की जो बात करी, घर गिरे हैं लेकिन वहाँ पर कोई दुर्घटना की अभी हमारे पास सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर ठीक कर लिया गया है, तो इसके लिए हमारी टीमें तैयार हैं जो भी उसमें सिचुएशन स्थिति उत्पन्न होती है। उत्तराखंड में बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। इसी बीच CM धामी ने ISBT का औचक निरीक्षण किया। CM ने वहां पहुंचकर मौसम के पूर्वानुमान के दृष्टिगत प्रदेश में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जलभराव और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके साथ ही CM वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की, साथ ही अधिकारी को भी जरूरी निर्देश दिए। तो CM धामी ने औचक निरीक्षण किया, ISBT का निरीक्षण किया, जलभराव को लेकर उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए। इस दौरान CM धामी ने लोगों से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी जाना। तो देहरादून में CM धामी ने दौरा किया, इस दौरान उन्होंने ISBT का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इससे मैंने इसके जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। देखिए, अभी चूँकि मानसून का अलर्ट है और भारी वर्षा हो रही है, उसको लेते हुए जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट, हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को कहा गया है कि एक दूसरे से ठीक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है, तत्काल जो है राहत कार्य और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ लोगों तक पहुँचे, लोगों की सहायता की जा सके। श्रद्धालुओं से और तीर्थयात्रियों से, आने वाले पर्यटकों से, सभी से मैं अपील करता हूँ कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी नहीं है, जब मौसम की जानकारी ले लें और मौसम खराब होने की स्थिति में अपनी यात्रा उसी के हिसाब से तय करें, क्योंकि खराब मौसम के कारण से कई बार उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हम बार बार उनसे। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद CM पुष्कर धामी ने देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया। CM धामी ने निरीक्षण के दौरान ISBT चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और DM देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां जहां जलभराव की स्थिति है उसे हटाया जाए, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए, ISBT बस स्टैंड में पानी की निकासी की व्यवस्था समेत तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारी वैसे लाइट व्हीकल के लिए खुली हुई है, उस पर और काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ हमारे लाइटें मार्ग हैं और
उधर कोटद्वार के झूला पुल के पास कुंभीचौड़ की जाने वाली सड़क पूरी तरह से नदी में समा गई है। जब ये 6 महीने पहले शुरुआत में टूटी थी तभी प्रशासन की इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन प्रशासन का उदासीन रवैया बना रहा। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से सड़क पूरी तरह से नदी में समा गई और वहां रहने वालों का बाजार से संपर्क टूट गया, जिस कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर सड़क नदी में समाने की खबर चलने के बाद प्रशासन को मौके मुआयना की याद आई। उपजिला अधिकारी ने मुआयना किया तो कोटद्वार में कुंभीचौड़ को जाने वाली सड़क नदी में समा गई है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि 6 महीने से टूटी हुई थी सड़क, लोगों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। सड़क टूटने के बाद प्रशासन ने इसका मुआयना किया है, कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है जिसके चलते कई घरों में बाजार का संपर्क भी टूट गया है। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के कारण हरिद्वार समेत सभी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी के बाद हरिद्वार समेत सभी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के गंगा जल स्तर खतरे के करीब पहुंच चुका है, जिसके कारण जिलाधिकारी धीरज सिंह ने खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मोर्चा संभाला हुआ है। तो वहीं SDM BS बुदियाल भीमगौड़ा बैराज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तो उत्तराखंड में बारिश के चलते तबाही मची हुई है, हरिद्वार में भी जिसके चलते मैदान में भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं SDM BS बुदियाल भीमगौड़ा बैराज पहुंच के और स्थिति का जायजा लिया। तो खतरे के करीब गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो पहाड़ में बारिश और मैदान में आफत नजर आ रही है, हरिद्वार में भी अलर्ट पर प्रशासन है। खतरे के करीब गंगा का जलस्तर पहुंच गया है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। विज्ञान द्वारा भी कल ही सूचित कर दिया था कि हरिद्वार को भी रेड जोन में रखा हुआ है। किसी से हम लोग लगातार चेतावनी जारी किया गया है, DM साहब के द्वारा भी लगातार चेतावनी जारी किया गया है, लिखित में भी मौके रूप से भी, और जिलाधिकारी महोदय भी अभी वर्तमान समय में हमारे जो जिले के कंट्रोल रूम वहाँ बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ बैराज देखने आया हूँ। और बैराज का जो हमारा वार्निंग लेवल लगभग हुआ है वहाँ क्या गंगा जी का स्तर पहुँच गया है 292.80 पहुँच गया है, जबकि 293 हमारा वार्निंग है, 294 हमारा डेंजर जोन। और नदी तल पर जो भी हमारे तहसील के कर्मचारी या जो बस्ती है उसको हम लोग माइक के माध्यम से हम उनको अलर्ट कर रहे हैं ताकि गंगा जी पर ना जाएं, गंगा से हट के जाएं। और उधर पौड़ी में हो रही भारी बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटर मार्ग बंद हो गया है, जिसे प्रशासन ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने कई इलाकों का निरीक्षण किया, साथ ही मौके पर पहुंचकर फंसे लोगों की बातचीत की। इसके बाद DM ने श्रीनगर पहुंचकर भी बंद रास्तों का निरीक्षण किया और SDM को जरूरी निर्देश दिए। तो पौड़ी में बारिश के चलते कई मोटरमार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटरमार्ग बंद हो गया, जिसको लेकर प्रशासन ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर फंसे लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद DM ने श्रीनगर पहुंचकर बंद रास्तों का भी निरीक्षण किया और SDM को जरूरी निर्देश भी दिए। तो उत्तराखंड में भारी बारिश की तबाही के दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर पौड़ी में भी 2 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता खोला गया, इस दौरान लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आवाजाही से लोग परेशान हुए। इस दौरान DM ने भी फंसे लोगों से बातचीत की। मैंने पुलिस को भी ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है और यात्रियों के आवागमन को सख्ती से रोका जाना है, क्योंकि पैदल आने वाले किसी भी व्यक्ति पर पत्थर गिरने के कारण उनकी जान की क्षति हो सकती है। तो इस कारण से मेरी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसे सख्ती से कंट्रोल किया जाए। रिपोर्ट थी लगभग 22 रोड हमारी बंद थी और वो सारी खुलने की कंडीशन में थी, आज ही खुल जाएंगी और मैं इसको कंटिन्यूसली खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। शिरोबगढ़ हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, तो अभी सुबह से उसे बार बार खोला गया और गाड़ियों को पास करवाया गया और वर्तमान में बंद है, और जैसे ही बारिश थोड़ा रुकती है तो हम लोग उसे वापस से रोड ओपनिंग देके ट्रैफिक शुरू करेंगे।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बावजूद कांवड़ियों के हौसले बुलंद हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने हरिद्वार के वीआईपी घाट से गंगाजल भरकर अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने बताया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी चार दिवसीय कांवड़ यात्रा के दौरान वे लोगों से मिलकर फीडबैक लेंगे, साथ ही यूसीसी को लेकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। पैदल यात्रा तय करके वो चार दिन बाद मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां शिव चौक पर वो भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। देखिए, इच्छा तो बचपन से थी, क्योंकि कांवड़ हरिद्वार से चलती है, मुजफ्फरनगर होकर गुजरती है। पिछले वर्ष भी करीब 4 करोड़ कांवड़िया मुजफ्फरनगर से गुजरे हैं, तो भावना तो बचपन से ही थी। इस बार जिक्र हुआ जब बाबा भोलेनाथ का आदेश हुआ, तो इस बार सब साथियों के साथ लेकर कांवड़ लेने आ गए। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार यूसीसी को लेकर कमेटी बनाई, रिपोर्ट आने वाली है, तो भगवान शक्ति दे उत्तराखंड सरकार को यूसीसी लागू कर पाए और रास्ते में करोड़ों लोग मिलेंगे। कुछ देर चलने के बाद बैठेंगे, सबसे इस बारे में विचार विमर्श करूंगा। सरकार यूसीसी के बारे में सब लोगों को बताना है, क्योंकि इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ये मुख्य कारण है लाने का। दूसरा कारण यही कि मुजफ्फरनगर का सांसद हूँ, ईश्वर ने मुझे तो बहुत कुछ दिया, अपने क्षेत्र की जनता के लिए सुख और सब। लश्कर में जैसे जैसे कांवड़ मेला अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ यातायात को मंगलौर वाया लक्सर से होते हुए हरिद्वार निकाला जा रहा है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक का अधिक लोड पड़ने की वजह से यातायात को भी डायवर्ट कर स्थिति का नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से आने वाले वाहनों को नगला इमारती से डायवर्ट होकर लश्कर होते हुए हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। वही स्थानीय मार्गों पर रूट डायवर्ट कर दिए जाने से क्षेत्रीय ग्रामीणों को मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने से रूट डाइवर्ट करने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जैसा कि विदित है कि कल से जो भी वाहन की संख्या जो हरिद्वार की तरफ जा रही है उसे नगला इमरती से डाइवर्ट कर और लक्सर होते हुए बैरागी कैंप भेजा जा रहा है, और जो हरिद्वार जाने वाले वो वहीं से ही उन्हें बाइफरकेट किया जा रहा है। तो इसके चलते जो है जगह जगह पे हमने ड्यूटी पॉइंट पहले से ही चिन्हित कर रखे हैं और ड्यूटियां वहाँ प्लेस कर दी गई हैं, जैसे कि हमारा बहादुरपुर फाटक हो गया, मेटाडोर की राह हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए छोटी गाड़ियां जो हैं हम कुआं खेड़ा से भी समय आने पर निकालेंगे, और जो भी ड्यूटियाँ हैं उनको प्रॉपरली ब्रीफ भी किया जा रहा है कि किस तरीके से ड्यूटी करनी है, क्योंकि कुछ नए रिक्रूट भी आ गए हैं तो उन्हें भी ब्रीफिंग की आवश्यकता है। और जैसा कि आज पंचक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से कल से और हैवी ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो हमारी ड्यूटियां तैयार हैं। हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ यात्रा पूरे सबाब पर है। पैदल कांवड़ के बाद अब डाक कांवड़ और बाइक कांवड़ का भी रेला हरिद्वार की ओर कूच कर रहा है। इसी बीच बाइक से हरिद्वार आते कांवड़ियों की बाइक में आग लग गई, जिसको समय रहते पुलिस कर्मियों ने पानी डालकर बुझा लिया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान से कांवड़ लेने हरिद्वार आते मोहन सिंह कांवड़िए की बाइक में हरिलोक तरह ज्वालापुर पर चलते चलते अचानक से आग लग गई। चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दमकल का इंतजार न करते हुए भारी बारिश में स्वयं ही बाइक पर पानी डालकर आग पर काबू पाया। कांवड़ियों की मोटरसाइकिल पर आग लग गई, जिसे पुलिस द्वारा पानी डालकर बुझाया गया। ये हमारे हरिलोक ड्यूटी पर। तो हरिद्वार में कांवड़ी की बाइक में आग लगी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस प्रशासन ने आग पर काबू पाया। मोटरसाइकिल पर आग लग गई, जिसे पुलिस द्वारा पानी डालकर बुझाया गया। ये हमारे हरिलोक ड्यूटी पर किराए पर तैनात पुलिसकर्मी बाल्टियों से पानी डालते हुए। मॉनसून सीजन को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता साह ने विभागीय अधिकारी और कर्मचारी को जरूरी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने अधिकारी को आदेश दिए कि मॉनसून सीजन में अस्पतालों में सभी दवाइयां रखें, साथ ही अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बायोमेट्रिक मशीन सही करने के निर्देश दिए। वहीं जल जनित बीमारियों को लेकर भी व्यापक प्रचार करने के निर्देश जारी किए गए। आशाओं के जरिए घर घर तक प्रचार करने के भी निर्देश दिए गए। तो देहरादून में डीजी हेल्थ ने निर्देश दिए हैं, मानसून को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाई और व्यवस्था रखने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सही करें, इसके लिए भी
अधिकारी को निर्देश दिए गए। राजधानी देहरादून में डेंगू अब कहर बरपने लगा है। अभी तक जिले में 32 मामले सामने आ चुके हैं। 170 लोगों के सैंपल लिए गए, वहीं 9 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें कि हर रोज डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डीएम ने डेंगू के रोकथाम को लेकर अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए हैं। जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके लिए ऑलरेडी QRTs गठित हो चुकी हैं हम लोगों की निगम स्तर पे, CMO लेवल स्तर पे, और जो अन्य विभाग हैं ICDS, उन लोगों की समन्वय बैठक लगातार चल रही है। पिछले 2 दिन से हम लोगों की बैठक में जो नए नए निर्णय लिए गए हैं वे उन लोगों को सबको अवगत करा दिए गए हैं। जिस प्रकार से डेंगू के केसेस 2 या 3 केस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, हम लोगों की कार्रवाई जो है नियमित रूप से, जैसे ही केस डिटेक्ट होता है तो संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइज़र, आशा फैसिलिटेटर और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो सुपरवाइज़र्स हैं उनको जो है सूचित कर दिया जाता है। वे लोग क्षेत्र में जाके जो अपना IEC मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ फॉगिंग और लार्विसाइडल का छिड़काव तथा जो आसपास के एरियाज हैं उनको सेंसिटाइज करने का काम वो पूरी टीम जो है हमारी लगातार कर रही है। बरसात बंद होते ही हम लोगों की टीम जो है इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन क्षेत्रों का भी भ्रमण करेंगे जहां पे केसेस आ रहे। रामनगर में सोमवार की देर रात नाले से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो रामनगर में नाले में युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर परिजनों का रो-रो का बुरा हाल है। देखिए, तेलीपुरा रोड में बिल्डिंग के एक नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद इसकी जांच की जाएगी। हाँ, कुछ संदिग्ध लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बाद जांच जैसी परिस्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।